आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल वर्किंग प्रोफेशनल्स में एरर फॉर्मूला। लेकिन एरर फॉर्मूला से पहले एक चीज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस कोर्स में, वो ये कि अभी अभी मुझे सुबह 6 बजे की बैच में हमारे एक कलीग थे, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि उनके पास एक स्टेटस नाम का कॉलम था, उसमें वो एंट्री लेना चाहते थे, लेकिन उनका कहना था कि मेरे इस एंट्री के अंदर में स्पेस की कोई एंट्री ना हो। राइट सर, वो स्पेस नहीं चाहते, उसके लिए क्या करें? हमने डेटा वैलिडेशन, मतलब वो चाहते हैं किसी ने अगर कुछ लिखा स्पेस दे दिया तो एंटर मारते उसकी एंट्री एक्सेप्ट ना हो, तो उसके लिए हमने सिंपल डेटा वैलिडेशन में गए और यहां हमने कस्टम पे गया और हमने इक्वल यहां पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया कि काउंट इफ, और फिर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहां इन्वर्टेड कॉमा में स्टार स्पेस स्टार कर दिया और बोला कि ए इक्वल टू 0 होना चाहिए, 1 नहीं, और अलर्ट में मैंने यहां पे लिख दिया रॉन्ग एंट्री ताकि अपनी मैसेज आए, और यहां पे लिखा कि प्लीज डू नॉट एंटर स्पेस इंसर्ट, हमने ओके कर दिया। और फिर इसको कॉपी करें और एक एरिया पे गया और इस एरिया पे हमने पेस्ट स्पेशल के जरिए यहां पे पेस्ट एज ए वैलिडेशन। क्या होगा कि मैं यहां पे किसी भी तरह का एंट्री करूंगा तो ले लेगा, लेकिन हमारे एंट्री में अगर वो नहीं लेगा या फिर नंबर वगैरह कुछ भी लिखेंगे ले लेगा, पर स्पेस को नहीं लेगा। ठीक है दीपक जी एंड विशाल जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नो सर, क्लियर है ना? जी सर। इसमें एक चीज आती है कि इसमें स्पेशल करेक्टर कोई ना ले, तो उसके लिए एक्सेल में पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके लिए हमने वीवीए के थ्रू बनाया था। ठीक है सर, बैक टू टॉपिक, हम अपने टॉपिक में आते हैं। हम आज आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं एरर फॉर्मूला, जिसकी रिकॉर्डिंग्स मैंने आपको भेजी थी लास्ट क्लासेस में, शायद आपने उसको देख लिया होगा। तो हम जो है आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एरर फॉर्मूला। आज की टॉपिक में एरर फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एरर फॉर्मूला होता क्या है, प्लीज जानिए। एरे, तो एरे का हिंदी में हम लोग स्टैटिक में पढ़े थे सिक्वेंसली अरेंज करना। आप अगर 8th 9th 10th में होंगे तो याद होगा कि 12 यहां पे 16 5 7 12 इसको हम लोग अरेंज करते थे कि 5, 7, 12, 16, 18 करते थे सर। तो मतलब यही यहां पे भी है, सिक्वेंसली ही अरेंज करता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि यहां पे 1, यहां पे मान लीजिए 2, 3 एंड 4 दे रहा है, तो इसको आप एक बार में सिलेक्ट करके इक्वल करके कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेंगे तो सिक्वेंसली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब बात करते हैं कि इसकी बेनिफिट क्या है। ये तो चलो ठीक है, हम लोग मैनुअली लिख लेंगे, बेनिफिट क्या है।
चलिए, तो इसका बेनिफिट हम फंक्शंस वगैरह में अपनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने सुजीत लिखा हुआ है, अब मुझे हर लेटर का यहां पे अलग करता हूं। तो अगर हम इसको मैन्युअली जो नॉर्मल फॉर्मूला के थ्रू करेंगे तो हम मिड लगाएंगे कि मिड हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला कि इस एक नंबर कैरेक्टर से एक नंबर को, एक कैरेक्टर को अलग कर दो, तो ऐसा आ गया। फिर मैं यहां पे आता हूं, मैं मिड लगाता हूं और इसको सिलेक्ट करता हूं और बोलता हूं कि दो नंबर कैरेक्टर से एक कैरेक्टर को अलग कर दे, यू आ गया। अगेन मैं मिड लगाता हूं और इसको सिलेक्ट करता हूं और बोलता हूं कि तीसरे नंबर कैरेक्टर से एक कैरेक्टर को अलग कर लो। फिर इसी तरह से हमने यहां पे मिड लगाया और हमने बोला कि चौथे नंबर कैरेक्टर से एक कैरेक्टर को अलग करो। फिर अगेन मिड सिलेक्ट किया, बोला कि पांचवें नंबर कैरेक्टर से एक कैरेक्टर को अलग करो। फिर अगेन मिड लगाया, लास्ट इसको सिलेक्ट किया और बोला कि छठे नंबर कैरेक्टर से एक कैरेक्टर को अलग करो। तो ये फॉर्मूला हमारा सेम लगा हुआ, बस इसकी इनपुट्स हर किसी में अलग अलग है। जैसे कि सीक्वेंस देख रहे हैं ना, अब यहाँ की 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो क्यों ना हम इस एरे के मेथड को अपनाएं कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और हम लगाएंगे फॉर्मूला मिड का। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कली बैगन क्लोज किया और फिर यहां पे 1 दिया और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो 1 2 3 चाहिए से इसी की तरह से ए पहले वाले फॉर्मूले को 1 दे रहा है, दूसरे फॉर्मूले को 2 दे रहा है, तीसरे को 3 दे रहा है, चौथे को देर, पांचवे, छठा, इस तरह से देता है। तो एरे का हम इस तरह से यूज करते हैं। दीपक जी जी सर, समझ में आया कि नहीं समझ में आ रहे आपको? जी सर, आ गए कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि एरे कोई लिस्ट ऑफ फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको 5, 7, 10, 20 बता दूंगा। एरे का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है आपका कंसेप्ट है। क्या है? कंसेप्ट है। समझे? एरे का दो टाइप होता है। पहला टाइप होता है आपका, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपने देखा कि इसने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब कि आपको अलग अलग जगहों पे कुछ अलग अलग चीजें चाहिए तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। समझे? दूसरा आता है कैलकुलेशन। अब जैसे कि एग्जांपल देखिए कि 20 यहाँ पे 30 40 50 नंबर हमारा है, मुझे हर नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है इंडिविजुअली, फिर उन इंडिविजुअली का 10% हमें निकालना है, जो 10% निकलेगा उसमें मुझे 60 को ऐड करना है और फिर उसको डिवाइड बाय 2 करके सम करना है। एक कैलकुलेशन है आपकी, ये स्टार्ट हो रहा है। दोबारा से बता दें।
मुझे इसमें सबको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, फिर इनका 30% हमें निकालना है। तो 30% आया है, उसमें सब में इंडिविजुअली 60 ऐड करना है, एवरी में, हर किसी में। फिर उसको इंडिविजुअली डिवाइड बाय 2 करना है। एक कैलकुलेशन का मान लीजिए प्रोसेस है आप, इसमें हम सम लगाएंगे और इनको सम करेंगे। कैलकुलेशन जो हमने किया 206 रिजल्ट आया, इसके लिए हमने कितने सारे सेल्स एक्वायर किए। इस काम को मैं यहां सिंगल सेल में विद एरे कर सकते थे, इसके लिए आपको इक्वल करना है सम, और इसमें जो भी कैलकुलेशंस है वो एक साथ दे दीजिए कि मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 60 नहीं डिवाइड डिवाइड बाय 2 ये है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं, हाँ मल्टी पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका 30% निकालना है, देन प्लस 60 करना है, देन डिवाइड बाय 2 करना है। तो रिजल्ट आपका अभी गलत है क्योंकि हमने अभी बोर्ड मास मेथड का यूज इसमें नहीं किया। तो सबसे पहले इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 को, फिर अगेन ब्रैकेट देते हैं 30 को, मराई कर देते हैं डिवाइड प्लस 60 को, उसका 2 आपका 2 तो है ही है, और इसको नॉर्मल एंटर नहीं मारेंगे, इसको बोलेंगे कंट्रोल सेव्ड एंटर, 2 आ गया। तो एरे का यूज जो होता है यही होता है। तो एरे का यूज समझ में आया सर? हेलो सर, तो ये हमारा एरे का यूज है। तो एरे को समझने के लिए एक एग्जांपल काफी है और 100 एग्जांपल भी कम है, क्योंकि एरे का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो एरे का 2 पार्ट होता है, एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है कैलकुलेशंस। इस चीज को आप एक बार समझ लीजिए, लेकिन और एरे को पहले पढ़ने से पहले थोड़ी सी रिसर्च जरूरी है, जैसे कि हम लोग भी करते थे अपने लर्निंग टाइम में। तो आप जो है यहाँ पे इसको खोलें और यहाँ पे आप एरे फॉर्मूला इन एक्सेल सर्च करें, और इस पे बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स आएंगे। इसमें कुछ एरे एग्जांपल्स को पढ़ें और उसको ट्राई करें, थोड़ी बहुत एरे के बारे में नॉलेज आपको हो जाएगी। उसके बाद हम आपको एरे की करीब 20-25 एग्जांपल देंगे, जिससे आप एरे एंड कॉम्प्लिकेटेड एरे को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये दिमाग जी,